व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्ट्रेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। पॉलिटिशियन जब वोट मांगने आता है तो हम लोग बड़े शिद्दत से उनको वोट डालते हैं, पर लेकिन हम लोग ये देखना भूल जाते हैं कि ये किस कैटेगरी का पॉलिटिशियन है। तो किसी के ऊपर बहुत हीनियस क्राइम होते हैं कि रेप, मर्डर के पता नहीं कैसे कैसे एक तरीके से क्राइम के रिकॉर्ड उनके नाम होते हैं, और फिर भी हम लोग उनको वोट डाल देते हैं। इसी के बारे में एक क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद में चांस काफी ज्यादा है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए। बोला जा रहा है जो क्रिमिनलिटी के जो केस हैं पार्लियामेंट में, अगर आप लोग देखें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारे, तो ये 24% थे 2004 में और 34% हो गए 2019 में। ठीक है, तो ये है पहले स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया है कि ये जो केसेस हैं इस तरीके के 2009 और 2014 में ये केस जो थे ये कम थे। ठीक है, तो लेस यहां पर ये LESS है। ठीक है, तो ये कम थे, पर लेकिन फिर अगेन 2019 में बढ़ गए, यानी कि 2004 से चलेंगे 2004 में 24 थे, पर लेकिन 2009 और 2014 में थोड़े कम हो गए और 2019 में फिर से बढ़ गए। तो कुछ ऐसा पैटर्न यहां पर देखने को मिला। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया वन ओनली, बी बोला गया टू ओनली, सी बोला गया बोथ वन एंड टू, डी बोला गया नाइदर वन नो टू। सही आंसर क्या है? वीडियो के एंड में और भी क्वेश्चन पूछूंगा और इसका भी आंसर बताऊंगा, तब तक आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग बात यहां पर बोली गई है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालने वाली है आप लोगों की लाइफ पर। अगर आप लोग एक साख मछली को एक इस तरीके के बर्तन में लाकर रखते हैं, कांच के बर्तन में, और यहां पर आप लोग इसको रखते हैं, तो ये मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 8 इंच तक बढ़ पाती है। पर लेकिन अगर इसी साख मछली को आप लोग समुद्र में जाकर छोड़ते हैं तो ये लगभग 8 फुट लंबी हो जाती है। तो यहां पर इस उदाहरण को कंपेयर किया गया है हमारे साथ में। अगर आप लोग एक ऐसे माहौल में रहते हैं जहां पर छोटी सोच के लोग रहते हैं, बस उनको ये जैसे तैसे जिंदगी कट रही है वो कटती रहे, इससे फालतू उनको कुछ नहीं चाहिए, तो अगर इस माहौल में आप लोग रह रहे हैं तो आप लोगों की भी सोच कुछ टाइम में ऐसी हो जाएगी कि यार कोई नहीं, चलिए एक जॉब कर लेते हैं, जिंदगी कट जाएगी, उसके बाद में शादी हो जाएगी, अपना अच्छे से लाइफ को एंजॉय करते रहेंगे उसी तरीके से। पर लेकिन अगर आप लोग प्रोग्रेसिव लोगों के बीच में रहेंगे तो आप लोग के अंदर कुछ ऐसी चीजें आएंगी कि आप लोग चीजों को चेंज करने की कोशिश करोगे। जिस तरीके से सोसाइटी में अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप लोग उसको डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप लोग उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करोगे। आप लोग हमेशा अपने आप को एक प्रोग्रेसिव वे में रखोगे, एक लीडरशिप की क्वालिटी आप लोगों के अंदर निकल के आएगी, तो आप लोग हमेशा एक ऐसे पाथ पर चलोगे जहां पर आप लोगों की एक गुड डिसीजन मेकिंग रहेगी। तो इस तरीके से आप लोग एक प्रोग्रेसिव पर्सन नजर आओगे। पर लेकिन ये किसकी वजह से ये इंपैक्ट डाला? ये हुआ एनवायरमेंट की वजह से। तो एनवायरमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है। यही वही एनवायरमेंट है कि जहां पर अलग अलग एरिया में अगर आप लोग जाओगे तो अलग अलग तरीके की खेती आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसी तरीके से अपने आसपास का जो एनवायरमेंट है वो हमेशा से अच्छा रखिए, अच्छे इंसानों में बैठिए, और इसी तरीके से अपनी लाइफ को एक प्रोग्रेसिव लाइफ बनाकर रखिए। इसीलिए मां बाप बोलते हैं कि उसकी संगत में मत रहना, बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो मां बाप आप लोगों के अच्छे के लिए सोचते हैं, तो इसलिए हमेशा उनकी बात जरूर मानिए क्योंकि उनके पास में वो एक्सपीरियंस है जो वो आप लोगों को देना चाहते हैं। पर लेकिन आप लोग ये सोचते हैं कि उनको क्या पता, वो क्या जानते हैं हमारी दोस्ती कैसी है, तो आप लोग वो सोचकर निकल जाते हैं। तो ऐसा कभी मत कीजिए क्योंकि ये काफी खतरनाक साबित हो सकता है आने वाले टाइम में। आज आप लोगों के सामने यहाँ पर रिवीजन, जो भी वीक में हम लोगों ने डिस्कस किया वो रिवाइज कीजिएगा, जो भी अब तक का आप लोगों यहाँ पर डिस्कशन देखने को मिला। बाकी इसके अलावा काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज के इस न्यूज़पेपर में। आइए नजर आ लेते हैं क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है। एक एक आर्टिकल देखते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। डोनाल्ड ट्रंप साहब इंडिया की विजिट पर आने वाले हैं, तो यहाँ पर यह बोला गया कि देखिए अगर कोई कंट्री बढ़ना चाहती है तो उसको किसी न किसी एक बाहुबली टाइप की कंट्री की जरूरत होती है। तो वही बातें बताई गई हैं, यानी कि अगर बढ़ना है तो किसी न किसी अच्छी कंट्री की सपोर्ट होनी चाहिए, तो वो एक अच्छा रहता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था अपनी PIB वाली वीडियो में, ये मैंने बताया था एक कंटेनर जो था वो बस के ऊपर गिर गया और उसकी वजह से लगभग 19 लोगों की जान चली गई। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है, रोड सेफ्टी के कई सारी अभी चीजें आप लोगों को अपनी कंट्री में देखने को मिली, तो वही सारी बातें डिस्कस की जा रही है। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया रिसेंटली अभी हमारी कंट्री में, और उसमें बोला गया कि जो क्रिमिनल एक्टिविटी है हमारी कंट्री में उसको कैसे टैकल करके चलना है, तो जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। तो बहुत शानदार आर्टिकल लिखा गया, डिटेल में हम लोग इसके बारे में यहां पर डिस्कस करेंगे। ये जो साइड वाला आर्टिकल है यहां पर, आज है सैटरडे को ग्राउंड जीरो, तो ये आर्टिकल लिखा गया यहां पर ब्रू कम्युनिटी के बारे में। हल्का सा नजर इस आर्टिकल के ऊपर भी डालूंगा ताकि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें कि आखिर एक्चुअल में चल क्या रहा है। ठीक है, ये साइड वाला जो आर्टिकल है यहां पर, ये जर्मनी के बारे में है। इसको थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं, जर्मनी की एक बार आप लोग लोकेशन देखिए, यहां से अगर आप लोग कंपेयर करेंगे अपनी प्यारी कंट्री होगी, और यहां से अगर आप लोग जाएंगे ये हो गया जर्मनी। जर्मनी में रिसेंटली अभी एक इंसान ने एक कैफे में जाकर बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी, और यहां पर जो बात की गई इसको बोला गया कि जिनोफोबिया का केस सामने निकल कर आया। जिनोफोबिया एक ऐसा फोबिया होता है जब इंसान जो है वो बाहर के लोगों से डरने लगता है कि हाँ ये इंसान हमारी कंट्री में आएंगे तो हमारी जॉब छीनेंगे, हमारे रिसोर्सेज को यूज करेंगे, और इनके अंदर ज्यादा कैपेबिलिटी है तो
उनसे इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी उनके अंदर आने लगता है। तो ये कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको देखकर यहां पर जीनोफोबिया होने लगता है और लोग क्या करते हैं, गन उठाते हैं और गोली बरसाना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे केसेस फ्रीक्वेंटली आप लोगों को वेस्टर्न वर्ल्ड में देखने को मिलेंगे, ये यूएसए में भी ऐसे केसेस निकल के आ चुके हैं और इसी के साथ में अभी यहां पर जो बात की जा रही है जर्मनी के अंदर और पास्ट में अलग अलग कंट्री में, जैसे यूके में भी ऐसे केसेस देखने को मिले कि हमारी कंट्री के भी एक पर्सन को वहां पर मारा गया था। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे केसेस बहुत सारे देखने को मिले जब हमारी कंट्री के जो स्टूडेंट थे बहुत लार्ज स्केल पर उनको मारा गया, जो पढ़ने के लिए वहां पर गए थे तो फियर की वजह से सब वहां से भाग गए। तो ये जो कंडीशन है ये काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं जो राइट एक माइंडसेट वाले जो लोग हैं ये ऐसे होते हैं जो अपनी कंट्री के बारे में बात करते हैं। जिस तरीके से उदाहरण के तौर पर आप लोगों को बोलूं तो आप लोग डोनाल्ड ट्रंप जी का उदाहरण यहां पर ले सकते हैं कि यहां पर अपनी कंट्री पर फोकस देना है और किसी भी चीज से इनको मतलब नहीं है। तो उस तरीके से ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि नहीं हमको मतलब नहीं है तुम्हारी कंट्री में क्या चल रहा है, हमको मिलकर काम नहीं करना है, हमको बस अपनी कंट्री के ऊपर फोकस देना है। तो उसी का एक उदाहरण यहां पर निकल कर आता है कहां पर, जर्मनी के अंदर में। जर्मनी की चांसलर जो है वो है एंजेला मार्कल, वो बिल्कुल ऐसे है जैसे हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर होता है वहां पर चांसलर होता है। तो एंजेला मार्कल जी के द्वारा एक ऐसी पॉलिसी रखी गई थोड़ी सी कि अगर कोई रिफ्यूजी आता है तो उसको अलाउ किया जाए, उन्होंने फायदा सोचते हुए भी रखा उसको क्योंकि एक तरीके से लो कॉस्ट लेबर मिल जाती है वहां पर काम करने के लिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था। और वैसे भी अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हम लोग बात करें तो उसको अलाउ किया गया, पर लेकिन अब इनकी ही पॉलिटिकल पार्टी और इन्हीं की कंट्री में बहुत सारे ओपोनेंट खड़े हो गए इन सब चीजों को लेकर, यानी कि ये सब चीजें अब अलाउ नहीं की जाती है। क्योंकि अगर किसी बाहर के आदमी को आप लोग अलाउ कर रहे हैं उसके बहुत बड़ा चांस ये भी होता है कि वो इंसान क्या करे, कल को एज ए टेररिस्ट की तरीके से काम करने लगे, जरा सा पैसा देकर उसको लुभाया जा सकता है। तो इसके चलते ये भी एक कंडीशन यहां पर निकल कर आई। तो ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो कि यहां पर आप लोग काउंट कर सकते हैं अगर और किसी कंट्री के बारे में यहां पर बात की जाती है तो। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं, छोटा सा एक आईडीएस के बारे में ले लेते हैं। यहां पर बात की जा रही है एक कम्युनिटी के बारे में जिसका नाम है ब्रू। तो याद रखिएगा ब्रू ट्राइबल कम्युनिटी है। ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है नॉर्मली रहने वाली मिजोरम की है, एक बार आप लोग मैप में इसको देख लीजिए, रहने वाली तो यहां पर ये मिजोरम की है पर लेकिन रिसेंटली अभी यहां पर ये त्रिपुरा में रह रही है, लगभग 35-36 हजार के करीब लोग। हुआ क्या था यहां पर एक आप लोग बोल सकते हैं कि लड़ाई हुई यहां पर जो बेसिकली लोकल कम्युनिटी के बीच में, और उसके चलते बहुत सारे जो लोग यहां पर ये कहां पहुंच गए, ये पहुंच गए त्रिपुरा। और ये लगभग 90s के एयरफेयर की बात है, तब से लेके अब तक यहां पर ये त्रिपुरा में ही रह रहे थे। तो अभी यहां पर त्रिपुरा के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और यहां पर ये बोला गया कि जो 35,000 के करीब जो यहां पर ब्रू ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं अब उनको वहीं पर ही एक तरीके से रहने के लिए अलाउ किया जाए और वहीं पर ही उनको सब खाना पीना दाना सब उनको वहीं पर ही दिया जाए। तो इसके चलते जो लोकल कम्युनिटी के लोग हैं उनमें बिल्कुल ऐसा ही फियर आ गया जैसे हम लोगों ने अभी ज़िनोफोबिया की बात की कहां पर, जर्मनी के अंदर। तो उनको ये लग रहा है कि वैसे ही लैंड काफी कम है, अब इनको भी लैंड चाहिएगी। मेनली प्रॉब्लम क्या है, मेनली प्रॉब्लम है लैंड की। तो इनको दुश्मनों की तरीके से देखा जा रहा है क्योंकि सुटेबल लैंड अवेलेबल नहीं है राज्य के अंदर में एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि एक तरीके से कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ऑलरेडी जो लैंड है उसके ऊपर काफी बर्डन रहता है, अब बाहर से जो लोग आ रहे हैं। तो ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है इससे नॉन ट्राइबल कम्युनिटी के बीच में कहीं ना कहीं एक लड़ाई सी हो गई आज के डेट में, जो कि बोला जा रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी। तो एक्सपेक्टेशन पे चीजें खरी उतरी और अभी यहां पर वही संघर्ष जारी है। तो किस तरीके से शांति बनाए कर रखी जा सकती है उसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से डिस्प्लेस करके मिजोरम से यहां पर ये इस त्रिपुरा में रह रहे हैं तो लोकल एरिया के लोग अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो इतनी प्रॉब्लम वहां पर थी जब ये यहां से भागे और सेम प्रॉब्लम अब लोगों को यहां पर झेलनी पड़ेगी जहां पर ये रह रहे हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में यहां पर ये बातें की गई है। मिजोरम नॉर्थ ईस्ट की एक कंट्री है जिसको मणिपुर, आसाम और त्रिपुरा टच करता है, और त्रिपुरा को कौन कौन टच करता है, इसको टच करता है मिजोरम और आसाम। ठीक है, तो ये कंट्री है, इसके ये हमारी कंट्री है की पोर्शन है, इसका आइडिया आप लोग रखते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से कई बार आप लोग ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रहती है बहुत ज्यादा, पर लेकिन एक हल्का सा आइडिया आप लोगों को रहना चाहिए इनके बारे में अगर यहां पर बातें डिस्कस की जाए तो। ठीक है, और हाँ, फेसबुक पर आप लोगों के लिए कई सारी चीज शेयर की जाती है, तो अगर आप लोगों को लगता है कि वो आप लोगों के विचार के हिसाब से सही नहीं है तो आप लोग उसको इग्नोर कर दिया कीजिए। क्योंकि मैंने एक पिक्चर शेयर की थी तो कई सारे बच्चे बोलने लगे सर ऐसी पिक्चर शेयर मत करो, जबकि वो पिक्चर थी एक तरीके से मैंने एक दिन पहले आप को आर्टिकल भी पढ़ाया था और आज फिर आर्टिकल पढ़ाऊंगा उस पिक्चर के बारे में बातें करूंगा। कई सारी वीडियो भी शेयर की जाती है, वैसे आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप लोग शेयर जरूर करते हैं, पर लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि मतलब देखिए मेरा बेसिक पर्पज ही होता है कि आप लोग कुछ जानने को मिले, कुछ सीखने को मिले, मेरा यह पर्पज नहीं होता है पॉलिटिकल पार्टी के किसी उसको वो करना है। आप लोग उसको न्यूट्रल तरीके से देखिए थोड़ा सा कि क्या पूछने की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, आप लोग एक बच्चे के द्वारा कमेंट किया गया हमारे वीर सर तो कांग्रेस ही निकले बड़ी हंसी आती है ऐसे SMS पढ़ के यार, कई बार ना मतलब मूड फ्रेश हो जाता है आप लोग SMS पढ़ के, मैंने कहा ये देखो। चलिए कोई नहीं, आइए आगे बढ़ते हैं।
आगे यहां पर आगे बढ़ने से पहले आज आपका आज का जो निबंध है वो देख लीजिए, ऐसे है सैटरडे है तो सैटरडे में आप लोग ऐसे लिखा कीजिए। तो यहां पर जो बात की जा रही है, जो ग्रेटेस्ट थ्रेट है हमारे प्लेनेट को, वो थ्रेट ये है कि हम लोग ये बिलीव कर रहे हैं कि कोई और आकर हमारे प्लेनेट को सेव करेगा, ठीक है। यानी कि वो नहीं कि भगवान के भरोसे बैठिए, तो भगवान के भरोसे बैठा जा रहा है कि भगवान आकर यहां पर सेव करेगा, अल्लाह गॉड भगवान जो भी आप लोग बोले, तो वो सेव करेगा यहां पर आकर, इस तरीके से सोचा जाता है। तो ये सबसे बड़ी थ्रेट है। जब तक हम लोग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक किसी भी तरीके का पोल्यूशन, ना एयर पोल्यूशन, ना वाटर पोल्यूशन, ना कोई भी पोल्यूशन जो भी आप लोग माइंड में ला सकते हैं, वो कम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कोई और आकर काम करेगा। प्लास्टिक का जो वेस्टेज है वो भी कम नहीं होगा, किसी भी तरीके से आप लोग काउंट कर लीजिए, कोई भी चीज यहां पर कम नहीं होगी, ठीक है। तो इसके ऊपर एक ऐसे लिखने की कोशिश कीजिएगा, 1000 से यहां पर लगभग 1200 वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिएगा। अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो आप लोग थोड़ा सा कम शब्द में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। एसएससी या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया कीजिए, जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को इतने ही शब्द में लिखना है जितना मैंने यहां पर दे रखा है, अपने एग्जाम के हिसाब से आप लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं, अभी केरला के अंदर एक कंडीशन देखने को मिली, 19 लोगों की यहां पर जान चली गई। एक कंटेनर जो था वो आकर गिरा यहां पर गाड़ी के ऊपर। कंटेनर कुछ ऐसा होता है जिसमें काफी कुछ सामान जाते हैं यहां पर, और जो कंटेनर लेकर जो ड्राइवर जा रहा था उसकी आंख लगी, और यहां से ये पता चलता है कि एक आंख लगना 5 सेकंड के लिए भी कितना खतरनाक साबित हो सकता है। उसकी 5 मिनट की आंख लगी और यहां पर 19 लोगों की जिंदगी भर की आंख लग गई, और 25 जो है वो आज के में घायल है, किसी के हाथ पैर तो किसी का सर फूटा है, तो ये भी कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। ये देखिए गाड़ी का ये जो पोर्शन है ये कंप्लीटली फिनिश हो चुका है, तो इस तरीके की सिचुएशन यहां पर निकल कर आए। तो इससे कंडीशन यहां पर ये आती है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो एक तरीके से कुचल गए यहां पर इसके अंदर आकर, यानी कि उनकी बॉडी भी एक तरीके से इकट्ठी की गई चुन चुनकर। तो ये सिचुएशन बनी किसकी वजह से, ओनली 2 मिनट के लिए आग लग गई उसकी वजह से। तो इसीलिए यहां पर एक तरीके से आप लोग सोच सकते हैं कि क्या कंडीशन है यहां पर। इसके बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। यहां पर तो अभी आप लोगों को देखने को मिला, आज के डेट में हमारी कंट्री में सिचुएशन ये है, बहुत सारे लोगों की जान जाती है रोड एक्सीडेंट में, और उसकी वजह क्या होती है, बस हमारी थोड़ी सी लापरवाही। तो ये थोड़ी सी लापरवाही जो है बहुत बड़ा इसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है, जैसा अभी यहां पर आप लोगों को कंडीशन देखने को मिली। अनफॉर्चुनेट बात यहां पर यह है, चाहे सेंटर की बात कर लीजिए चाहे स्टेट की बात कर लीजिए, हमारी कंट्री में जो नेशनल हाईवे है वो सेंटर के अंदर आते हैं, और जो स्टेट हाईवे है वो आप लोगों को देखने को मिलता है, जो दूसरी रोड है वो यहाँ पर स्टेट के अंडर में नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो सेंटर जो यहाँ पर हमारी कंट्री में दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंटर की और स्टेट की, कि वो अपनी ड्यूटी को ढंग से फॉलो करें। रोड सेफ्टी के बारे में जो हम लोग बात करते हैं, रूल और रेगुलेशन तो बना दिए जाते हैं पर प्रॉपर वे में उनका इंप्लीमेंटेशन नहीं देखने को मिलता है। इसी के चलते 2018 में अकेले 1,51,417 लोगों की जान गई। इससे पता चलता है कि हमारी कंट्री जो है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। आप लोग अगर रोड पर गाड़ी लेकर या फिर अपना स्कूटर व्हीकल कोई भी बाइक लेकर जा रहे हैं, आप लोग अगर इंडिया में गाड़ी चला रहे हैं तो यह माना जाता है कि वर्ल्ड में आप लोग कहीं पर भी गाड़ी चला सकते हैं, क्योंकि यहां पर यह नहीं पता कि किधर से आगे कौन किधर से आके निकलकर ठोकर चला जाएगा। तो यह सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहां पर जो यहां पर अभी ये कंटेनर निकला, तो यहां पर जो लोरी के ड्राइवर थे उनकी थोड़ी सी देर के लिए आंख लगी, उनके द्वारा यह बात बताई जा रही है, पर लेकिन अब तक तो यहां पर इंक्वायरी चल रही है, उसके बारे में कुछ भी बोलना सही नहीं है। हो सकता है कोई और मनसा भी यहां पर हो, पर लेकिन अभी यहां पर अभी इसकी बस इंक्वायरी चल रही है, उसके बाद में अभी आगे पता चलेगा। वैसे अगर हम लोग बात करें यूएन के सस्टेनेबल गोल के बारे में, तो यूएन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके चलते यहां पर अभी एक थर्ड ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी रोड सेफ्टी के ऊपर। कहां पर हुई है? ये स्टॉकहोम में हुई, आप लोग एक बार इसको दिखाऊंगा अभी आप लोगों। तो यहां पर ये थर्ड जो कॉन्फ्रेंस हुई, ये थर्ड कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें ये बोला गया कि हम लोग इनको रिड्यूस करेंगे, जो हमारी कंट्री में लोगों की जान जा रही है, और हमारी कंट्री के जो यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा भी यहां पर ये बातें बोली गई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वो गोल होते हैं जो कि हमारी कंट्री नहीं, ओनली ऑल ओवर वर्ल्ड को सेव करने की कोशिश करते हैं, जैसे गरीबी मिटानी है, जीरो हंगर करनी है, अच्छी हेल्थ और स्किल होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन अच्छी मिलनी चाहिए, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, लड़का लड़की में भेदभाव नहीं होना चाहिए, पानी के बारे में बात करते हैं, अफोर्डेबल एनर्जी के बारे में बात करते हैं, अच्छी ग्रोथ वगैरह होनी चाहिए, जहां इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर बात की जाए, इंडस्ट्री और इनोवेशन वगैरह होने चाहिए, जो रिड्यूस इनइक्वलिटी, जो इनइक्वलिटी है उसको रिड्यूस करना है, यानी कि अमीरी और गरीबी को कम करना है। आप सस्टेनेबल सिटीज होनी चाहिए अगर सिटीज में आप लोग रह रहे हैं। इसी के साथ में जो हमारा रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन और जो प्रोडक्शन है वो अच्छा यहां पर होना चाहिए हमारी कंट्री में। क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, जो बिलो वाटर जो लाइफ है, मछली वगैरह जो पानी के अंदर जो रहती है उसको पोल्यूट कर रहे हैं, उसके बारे में बात करनी है। लैंड पे जो लाइफ है उसको फोकस करना है। पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन के साथ में हम लोगों को रहना है, और इसी के साथ है पार्टनरशिप करनी है इन सारे गोल को अचीव करने के लिए। तो टोटल मिलाकर ये 17 सस्टेनेबल गोल यहां पर ये बताते हैं कि हर एक एरिया में
हम लोग को यहाँ पर अच्छी एक तरीके से चीजों को लेकर चलना है। तो ये कहने के लिए 17 है, पर लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे गोल छिपे हुए हैं, जिसमें से एक गोल जो आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं वो है आप लोगों का कि रोड सेफ्टी के बारे में बात की जा रही है। तो किस तरीके से रोड सेफ्टी बढ़ाई जा सकती है, तो तीसरी ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस देखने को मिली जिसमें इसके बारे में बात की गई। इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप लोगों को और बताऊं तो प्रीलिम्स के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जो जनरल असेंबली है यूएन की, उसके द्वारा गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन के साथ मिलकर यहां पर काम किया गया, जो कि स्टॉकहोम इसकी कैपिटल है, ठीक है। तो वहां पर ये कॉन्फ्रेंस होस्ट की गई किसके द्वारा, मिलकर तीन के द्वारा होस्ट की गई, एक तो यूएन, दूसरा गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन और तीसरा यहां पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये थर्ड ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी रोड सेफ्टी के ऊपर। तो अगर पूछे कि रोड सेफ्टी के ऊपर थर्ड ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई, तो ये स्वीडन में हुई। किस किसके द्वारा होस्ट की गई, यूएन जनरल असेंबली, स्वीडन गवर्नमेंट और डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर इसको होस्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है कि इसकी थीम क्या थी। तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो आप लोगों को देखने को मिली 1920 की, यहां पर अभी 19 और 20 जो फरवरी है अभी यहां पर अभी रिसेंटली हुई, और इसकी थीम थी यहां पर कि अचीविंग ग्लोबल गोल्स, यानी कि जो ग्लोबल गोल्स है उनको अचीव करना। और ग्लोबल गोल्स में यह भी एक गोल है कि किस तरीके से जो एक्सीडेंट वगैरह है उनको हम लोग कम कर सकते हैं। सबसे खतरनाक सिचुएशन जो हमारी कंट्री के बारे में अगर आप लोग बात करेंगे तो वो ये है कि जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट जो अभी हमारी कंट्री में लाया गया, तो उसके चलते एक नया एक्ट हमारी कंट्री में आया, तो इसके चलते बोला गया कि काफी कुछ यहां पर सुधरने वाला है। आप लोगों को देखने को मिला, बहुत सारे मीम्स भी बने उसके ऊपर, बहुत सारी जो मजाक उड़ाई गई कि इतनी की मोटरसाइकिल नहीं है जितने का फाइन लग गया, वो सब चीजें कभी अभी देखने को मिली। पर लेकिन उसके बाद भी जो सिचुएशन है वो सुधरी हुई हमारी कंट्री में नजर नहीं आ रही है। एक्सीडेंट जो रोड एक्सीडेंट है वो रिस्क जो है वो और ज्यादा बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि कितने हम लोग कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोग बोलिए कि ढीले हैं अपनी चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए। आज की डेट में भी यहां पर सेम कंडीशन है, इवन और बढ़ती हुई जा रही है। अगर वर्ल्ड बैंक के हिसाब से हम लोग माने, ये स्टडी वर्ल्ड बैंक के द्वारा की गई है, इसके द्वारा ये बोला गया है और स्टडी करने के बाद में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, ये स्वीडन में ही यहां पर ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। तो इसमें ये बोला गया है, अगर इंडिया के बारे में हम लोग बात करते हैं, 18 से लेकर 45 साल की एज का जो नवयुवक है, ये वो इंसान है जो हमेशा कोई ना कोई प्रोडक्टिव काम कर रहा होगा, जो एक कमाने वाला इंसान है। 69% जो डेथ जाती है, और यानी कि अगर बात करें 18 से 45 साल के जो लोग हैं इसके बीच में, जो यहां पर 70% के लोग जो मरते हैं वो यहां पर, जो 100% लोग मरते हैं तो 70 लोग उनमें से यहां पर ये वाले इनकी जान जाती है जो यहां पर इस एज के हैं। यानी कि एक तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आप लोग बोले तो इकोनॉमी को जो है बहुत ज्यादा नुकसान यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। इसी के साथ में 54% जो डेथ यहां पर होती है वो या फिर जो कोई इंजरी देखने को मिलती है वो सबसे वल्नरेबल ग्रुप की देखने को मिलती है। वो कौन है, एक तो पैदल यात्री है, दूसरे जो साइकिल चलाने वाले हैं, तीसरे कौन से हैं, जो टू व्हीलर कोई चलाने वाले हैं। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इनको देखने को मिलती है, क्योंकि जो गाड़ी में ट्रेवल कर रहा है वो सेफ है, अपना आराम से अच्छी गाड़ी में बैठा हुआ है और बहुत सारी फैसिलिटीज होती है वहां पर, जिससे कि उसको चोट कम लगती है। पर लेकिन वो गाड़ी में जो बैठा हुआ है, पर लेकिन इसके अलावा जो पैदल चल रहे हैं, तो पैदल जो यात्री है उनको एक तरीके से ढंग से हमारी कंट्री में तजुर्बु भी नहीं दी जाती है, और जल्दी से उनको छोड़कर कभी ना कभी तो बहुत सारे ऐसे देखेंगे कि जल्दबाजी में एक्सीडेंट कर निकल लेते हैं। तो ये कंडीशन निकल के आती है। ये बोला जा रहा है कि अगर आज के डेट में इसको कम करना चाहते हैं तो जो वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेशन है वो ये है कि 109 बिलियन रुपये हमें लोगों को इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे आगे आने वाले 10 साल में, तब जाकर हम लोग 50% जो डेथ है उसको हम लोग रिड्यूस कर पाएंगे। यानी कि अगर 109 बिलियन हम लोग खर्च करें तब जाकर यहाँ पर 10 साल लगे रहें तब जाकर 50% रिडक्शन हम लोग रोड डेथ में कर पाएंगे। पर लेकिन अभी यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि इवन हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर भी हम लोग खर्च नहीं कर रहे हैं। यहां पर बहुत सारी जो बसों की शॉर्टेज है वो पड़ी रहती है, जो गवर्नमेंट बसेस आप लोगों ने देखी होगी उनकी सर्विस कैसी रहती है, उनके ढक्कन हिल रहे हैं, किसी का गेट टूटा हुआ है, और भी उनके हैंडल वगैरह जो खड़े होने के पकड़ने की उनमें जगह नहीं है, तो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल जाती है। यानी कि गवर्नमेंट काफी लार्ज स्केल पर कई बार खटारा टाइप की आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि करप्शन निकल के आता है बहुत लार्ज स्केल पर, करप्शन होता है बहुत लार्ज स्केल पर जहां पर भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है। इसीलिए अभी साउथ इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहा था कि आप लोग क्या करो, प्राइवेटाइज कर दो बस को, तो उसको लेकर भी काफी ज्यादा जो यहां पर अभी देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो ये यहां पर इसके बारे में आप लोग भी थोड़ा सा अपनी चीजों का ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। अगर रोड पर चल रहे हैं तो प्रॉपर, अगर गाड़ी में है तो सीट बेल्ट वगैरह लगा के रखिए, अगर बाइक पर है तो हेलमेट वगैरह लगा कर रखिए। ठीक है, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि इतनी सेफ्टी कर लो कि गाड़ी में हेलमेट लगा कर बैठो, पर लेकिन जहां पर जो रिक्वायरमेंट है वो जरूर रखिए। भले ही थोड़ी देर के लिए आप लोग घर से निकल कर क्यों ना जा रहे हो, वो थोड़ी देर ही हो सकता है कोई बहुत बड़ा नुकसान कर चली जाए, तो इसलिए कोई भी इस तरीके से स्टेप आप लोगों को नहीं उठाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा जरूरी भी है अगर आज की डेट की पॉलिटिक्स की हम लोग बात करते हैं। तो अभी आने वाले टाइम में इलेक्शन होने वाले हैं बिहार के अंदर में और आई थिंक वेस्ट बंगाल के अंदर में। ठीक है, तो यहां पर इलेक्शन होंगे तो उससे ये पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंट अभी डिसीजन आया है इसका कितना फायदा हुआ है उस पर्टिकुलर इलेक्शन में पता चल जाएगा। टोटल मिलाकर अभी अगर आप लोगों से बात करूं, ये कॉज ऑफ कंसर्न बोला गया है यहां पर। रीजन क्या है, रीजन ये है कि हमारी कंट्री में अगर क्रिमिनल केसेस की आप लोग बात करें तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारे, जिनको आप लोग
सांसद जी बोलते हैं उनके ऊपर बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं आज के डेट में। 24% केस थे 2004 में, 2009 में जो हो गए ये हो गए 30%, 2014 में हो गए 34% और 2019 में ये उल्टा हो गया, यानी कि 43% हो गए, 34 का 43 हो गया। तो इससे यहाँ पर ये पता चलता है कि हमारी कंट्री में आज की डेट में 50% के लगभग लोग वो बैठे हैं पार्लियामेंट में जिनके ऊपर कोई ना कोई केस चल रहे हैं और वो हमारे लिए लॉ बना रहे हैं। ठीक है, समझते हैं आप लोग, यानी कि ऐसे इंसान जिनके ऊपर खुद केस चल रहे हैं वो हमारे लिए पार्लियामेंट में बैठकर लॉ बना रहे हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया जिसमें जस्टिस रोहिंगटन एफ नरीमन के द्वारा कई सारी इंटरेस्टिंग बातें बोली गई, और ऐसा नहीं है कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फर्स्ट टाइम ऐसा डिसीजन आया है, पहले भी यहां पर ऐसे डिसीजन आए जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे, पर लेकिन ये डिसीजन आप लोगों को इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। यहां पर बात जो की गई है वो ये की गई है कि अगर किसी भी क्रिमिनल कैंडिडेट को आप लोग टिकट देते हो तो आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इसी को टिकट क्यों दिया, यानी कि आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसके बारे में। और टोटल लोकल न्यूज़पेपर, नेशनल न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया हैंडल, वेबसाइट, जो भी आप लोग है, जो भी यहां पर कनेक्टिविटी के जो मीडियम है, हर जगह आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी कि उस पर उसके ऊपर कितने केसेस चल रहे हैं और क्या क्या कंडीशन है। इसी के साथ में जब भी आप लोग यहां पर ये ऐसी कंडीशन होती है, ये मैंडेटरी किया गया कि विद इन 48 आवर जब सेलेक्ट करते हैं आप लोग किसी कैंडिडेट को, तो 48 आवर के अंदर अंदर आप लोग क्या कर रहे हैं उस कैंडिडेट के बारे में इंफॉर्मेशन पब्लिश करनी है। और अगर यहां पर ऐसा नहीं होता है तो आप लोग क्या करना है कि जब यहां पर नॉमिनेशन फाइल किया जा रहा है तो नॉमिनेशन फाइल करने से लगभग 2 वीक पहले आप लोग यहां पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो 72 घंटे के अंदर आप लोगों को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का सामना करना पड़ेगा, ये यहां पर बोला गया है कोर्ट के द्वारा। तो काफी अच्छी एक स्टेप यहां पर बता सकते हैं कि यहां पर एक तरीके से आप लोगों को बताना पड़ेगा यहां पर कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके पीछे आप लोग समझ लीजिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। ये जो केसेस आप लोग यहां पर देखने को मिल रहे हैं, ये केसेस पहले इतने थे, फिर इतने थे, फिर इतने थे, आखिर इसका रीजन क्या आया, तो इसके भी चलते यहां पर आर्टिकल में बड़ी शानदार बात बताई गई है। अगर आप लोग 1970 से लेकर 1980 के बीच के बीच बात करेंगे तो एक टर्म काफी ज्यादा फेमस थी जिसको बोला जाता है डोन, कि ये इस एरिया का डोन है, बहुत बड़ा डोन है भैया इस एरिया का। रीजन क्या था? रीजन ये था, ये जो डोन थे ये पाले जाते थे किसके द्वारा? पॉलिटिशियन के द्वारा ये पाले जाते थे और पॉलिटिशियन को फायदा पहुंचाते थे बूथ कैप्चरिंग करने में। इसी के साथ में बहुत लार्ज स्केल पर जब यहां पर किसी भी ऐसी एक्टिविटी की जरूरत होती है मसल पावर की इलेक्शन के टाइम पर, तो ये सारी हरकतें इन डोन्स के द्वारा की जाती थी। रीजन क्या था? रीजन ये था, ये डोन ये सोचते थे अगर पॉलिटिकल पार्टी का ये मेंबर जो जीत कर आ जाएगा तो फिर आगे आने वाले टाइम में मेरे ऊपर जो भी केसेस वगैरह चल रहे हैं वो सारे केसेस हटा दिए जाएंगे। पर लेकिन इन डोन को कोई चाणक्य टाइप का आदमी मिल गया, या फिर आप लोग बोले कोई सकूनी टाइप का आदमी मिल गया, और उसने इनको बताया कि कितना बेवकूफी वाला काम कर रहे हो तुम लोग अपनी जान खतरे में डालकर पॉलिटिशियन को जिता दो, ऐसा क्यों ना हो कि तुम ही पॉलिटिशियन बन जाओ तो सारा काम ही खत्म हो जाए। तो भैया इनका माता थन का, इन्होंने बोला यार ये तो बड़ी अच्छी बात बोल दी, क्यों ना हम ही पॉलिटिशियन बन जाए, हम फालतू में इनको जिताते हैं, हम खुद ही क्यों ना जीत जाएं। तो वहां से फिर जो है ये एक आप लोग बोल सकते हैं स्वर्ग का रास्ता इनके लिए तैयार हुआ। ठीक है, तो वहां से ये स्वर्ग का रास्ता चलते चलते और आज के डेट में ये स्वर्ग का रास्ता इतना बड़ा हो गया है कि लगभग 50% जो ऐसे लोग हैं वो सारे यहां पर पहुंच चुके हैं पार्लियामेंट के अंदर में, स्टेट असेंबली के अंदर में। तो एक तरीके से कुछ नहीं करना है, केस करो अपना, इस तरीके की उल्टी सीधी हरकतें करो और जाकर अपना टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर बैठ जाओ, वहां पर आप लोग कोई टच नहीं करेगा। तो ये सिचुएशन यहां पर देखने को मिल रही है आज की डेट में। तो जो नेक्स्ट असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं वहां पर पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन अभी है उसका कितना इंपैक्ट यहां पर अभी देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में और आप लोगों से मैं बातें करता हूं। अभी जो लास्ट वीक जो जजमेंट है जिसके बारे में हम लोगों ने अभी बात की, वो फार रीचिंग इंपैक्ट यहां पर डाल सकता है, क्योंकि अगर पास्ट में आप लोग बात करेंगे, पास्ट में भी ऐसे कई सारे जजमेंट आए हैं, एक तो आया 2002 में और दूसरा आया 2003 में। यहां पर जो बात की गई वो ये की गई कि आप लोगों को अपने जो क्रिमिनल चार्जेज हैं उनको एफिडेविट में मेंशन करना पड़ेगा कि हाँ ये चार्जेज हैं आप लोगों के सामने। ये इंप्लीमेंट जो किया गया, दोनों जगह इंप्लीमेंट किया गया, स्टेट के ऊपर भी और सेंटर के ऊपर भी, यानी कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी और असेंबली के इलेक्शन में भी, यानी कि अगर आप लोगों की भाषा में बोलूं तो विधायक के लिए भी आप लोगों के और सांसद के लिए भी, तो दोनों के लिए यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया गया। ये आज की डेट में अगर इसके बारे में आप लोग बात करते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी कैंडिडेट को अगर देखती है तो उसका बेसिक पर्पस ये रहता है कि उस कैंडिडेट के ऊपर फोकस किया जाए जो कैंडिडेट उनको जिताकर ला सके। अगर कैंडिडेट इनको जिताकर नहीं ला सकता है तो फिर उसको वोट नहीं दी जाती है। तो जीतने के चक्कर में यहां पर ये भूल जाते हैं कि ये जिसको यहां पर टिकट दे रहे हैं कि वो ऑलरेडी उसके ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल के चार्जेस हैं, यानी कि मर्डर, रेप, ऐसे चार्जेस भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। पर लेकिन केस जो होते हैं वो पेंडिंग पड़े रहते हैं, चलते रहते हैं, तो इसलिए लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। अगर ढंग से यहां पर चीजों को देखा जाए,
कोर्ट के द्वारा यह बोला गया कि अगर आज के बाद में आप लोग किसी भी क्रिमिनल कैंडिडेट के इस तरीके कैंडिडेट को चूज करेंगे तो आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि आखिर इसी को चूज क्यों किया, क्या इससे बढ़िया कोई इंसान आपको नहीं मिला सोसाइटी में कि आप लोगों को यह इंसान मिला चूज करने के लिए, तो यह बात देनी पड़ेगी। पर लेकिन देखिए 2002 में अगर 2003 के बारे में आप लोग बात करें तो ऐसे कई सारे स्टेप यहां पर उठाए गए। पहले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जिसको ADR आप लोग बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत जद्दोजहद करकर यहां पर काम करती है हमारी कंट्री में, इस तरीके की एक्टिविटी को जनता के सामने रखती है ताकि जनता थोड़ी सी एक तरीके से जागरूक हो जाए। पर लेकिन जनता जो है उसकी आंखों पर पट्टी बंधी रहती है, वो फिर भी ऐसे इंसानों को चूज कर भेजती है जैसे इंसान उसको पसंद आते हैं, और इंसान कैसे पसंद आते हैं, जो उनको लुभाते हैं तो वो इंसान पसंद आते हैं। तो इसी के चलते 43% यहां पर आज के में ऐसे इंसान जो है वो पार्लियामेंट में जाकर बैठे हैं। और ये जो डेटा मैं आप लोग को बता रहा हूं 2019 के इलेक्शन का डेटा बता रहा हूं आप लोगों को, तो आज की डेट में भी जिसको हम लोग एजुकेटेड सोसाइटी बोलते हैं वो पार्लियामेंट का रिजल्ट देखकर लगता नहीं है कि सोसाइटी एजुकेट हो चुकी है। पार्लियामेंट के इलेक्शन में संख्या बढ़ती जा रही है, 2004 में यहां पर 24% थे, 9 में 30 हो गए, 14 में 34 हो गए, और यहां पर 2019 में ये 43% हो गए। तो जो क्वेश्चन अभी मैंने आप लोगों से पूछा था उसका आंसर आप लोग यहां पर देखने को मिल रहा है कि यहां पर जो चार्जेस हैं वो बढ़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है, और लास्ट में यहां पर क्या है ये 43% है। तो इस तरीके से जो चार्ज होते हैं नॉर्मल नहीं होते, किसी को थप्पड़ मार दिया फिर किसी को इस तरीके से थोड़ा सा चीट कर दिया ऐसा नहीं होता है, ये केसेस होते हैं बहुत ही हीनियस क्राइम के, मर्डर होते हैं, अटेम्प्ट टू रेप वगैरह केसेस होते हैं, किडनैपिंग के, अबडक्शन के केसेस होते हैं, खतरनाक वाले केसेस आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं। पर लेकिन फिर भी ये पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं तो इसका बहुत बड़ा रीजन है जिस तरीके से हरकतें करते हैं अपने वाले एरिया में, कई बार तो लोगों को ड्रा कर ये वोट लेते हैं, कई बार लोगों को लुभाकर वोट लेते हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल कैंडिडेट हैं यहां पर उनके बारे में एक बार को सोचा भी जाए तो वो पता है क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि ये केस हमारे ऊपर जो चल रहे हैं ना ये हमारे केस नहीं है, ठीक है, ये तो हमको ना दान में मिले हैं, यानी कि अपोजिशन के द्वारा यहां पर हमारे ऊपर ये केस लगाए गए हैं, ये केस हमारे नहीं है, हमारे ऊपर ओनली चार्ज लगाया गया है, ठीक है। तो ऐसी बात देखने को मिलती है। चलिए जो भी है, अगर इतने ही आप लोग भले हैं दूध के धुले हैं तो यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक रिकमेंडेशन दी गई थी, अगर किसी कैंडिडेट के खिलाफ इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है और कोर्ट में उनके ऊपर कोई हीनियस क्राइम का एक तरीके से केस चल रहा है तो आप लोग क्या करो, उसको उस पर्टिकुलर पर्सन को आप लोग एक तरीके से आप लोग उसको पार्टिसिपेट ही नहीं करने दो इलेक्शन में। तो इसके लिए पार्लियामेंट्री जो कमेटी थी वो सेटअप की गई और उसके द्वारा यहां पर इसको एग्जामिन किया गया कि जो रिकमेंडेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई है, तो उन्होंने क्या किया, उनकी रिकमेंडेशन को खारिज कर दिया यूनैनिमसली सबके द्वारा, यहां पर जो एक तरीके से अपोज किया गया जो भी यहां पर रिकमेंडेशन इनके द्वारा दी गई थी। और इस कमेटी के जो मेंबर थे यहां पर ये राम जेठमलानी साहब जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई है तो ये भी थे, तो इनके द्वारा भी यहां पर बोला गया बहुत सारे ऐसे केसेस है जैसे कि इनके द्वारा इनके ऐसे केसेस के साथ में डील किया जा रहा है, यानी कि इस तरीके के केसेस को लड़ने के लिए भी जो लोग रहते हैं वो हाई प्रोफाइल लोग आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो यहां पर ऐसे केस लड़ते हैं, क्योंकि पैसा खूब होता है और दबा के पैसा मिलता है तो आराम से यहां पर फिर सबूत गवाह तोड़े जोड़े मरोड़े जाते हैं और फिर यहां पर इनका काम निकल जाता है। तो इसके चलते जब बोला जाता है कि आप लोग ऐसा कुछ करना है तो वो चीजें देखने को मिलती हैं। और सब बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनके खिलाफ FIR ही दर्ज नहीं होते और जिनके खिलाफ FIR दर्ज होती है तो फिर वहां सबूत नहीं मिल पाते हैं। इसी के साथ में चीफ इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में लगभग 2 डेकेड के करीब ऐसी ऐसी बातें कई बार प्राइम मिनिस्टर को बोली जा चुकी हैं, अलग अलग प्राइम मिनिस्टर को, कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोग बस थोड़ा सा काम करिए जिनके खिलाफ ये हीनियस क्राइम के रिकॉर्ड होते हैं कम से कम उस तरीके के जो कैंडिडेट हैं आप लोग उनको बाहर रखिए, ठीक है, उनके ऊपर कम से कम जो कोर्ट केसेज है उसको जल्दी जल्दी चलाइए। 2014 में जब इलेक्शन हुआ जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके द्वारा भी ऐसी बात बोली गई कि आने वाले टाइम में लगभग 100 दिन के अंदर अंदर यहां पर जो भी जिनके ऊपर केस चल रहे हैं वो बिहाइंड द बार होंगे। पर लेकिन 100 दिन क्या पता नहीं कितने 100 दिन हो गए, एक साल तो पूरा हो गया, दूसरा टर्म भी स्टार्ट हो गया, पर लेकिन अब तक इनका कुछ भी नहीं बिगड़ पाया है। आखिर बिगड़ेगा भी कैसे जब 50% जो लोग वही हैं जो यहां पर ऐसी हरकतें कर रहे हैं, यहां पर जिता कर ला रहे हैं, तो फिर कैसे होगा। और मैं यहां पर पॉलिटिशियन की यहां पर इसमें कोई गलती नहीं मानता हूं, सबसे बड़ी गलती है यहां पर है वोटर्स की, जो वोटर का जो बिहेवियर है वो यहां पर जो देखने को मिल रहा है वो एक्सेप्टेबल आप लोग इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि जिस तरीके से क्रिमिनल कैंडिडेट को यहां पर जिताकर भेजा जा रहा है तो इसके चलते यहां पर ये क्या करते हैं, कई बार तो रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर, और अगर रिलीजन और कास्ट काम नहीं करता है तो फ्री बीज के नाम पर, यानी कि ये चीज बांट दो। जैसे कि अभी क्या देखने को मिला है, अब अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा यहां पर ये कई सारी चीजें बांटी गई, पर लेकिन यहां पर कुछ वैलिड पॉइंट था, जैसे ये पिक्चर मैंने शेयर की थी फेसबुक पर, ठीक है, तो मेरा बेसिक पर्पज यहां पर ये होता है आप लोग ना थोड़ा सा क्रिटिकल होकर सोचो चीजों को, ना कि किसी पॉलिटिकल एंगल में जाकर सोचो, ठीक है। अब यहां पर ये पिक्चर मुझे लगी, मैं इसको होता तो ना डालता आप तक चीजें नहीं पहुंचती, आप तक चीजें नहीं पहुंचती तो कोई मतलब भी नहीं होता कि आप लोग इसके ऊपर कोई डिबेट डिस्कस करते। मैंने पूछा था ऊपर इस क्वेश्चन लिखा था कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप लोगों को पॉलिटिशियन से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं थी इसकी, बेसिकली यहां पर जो वर्ड था वो यहां पर ये वाला देखना था आप लोगों को। ये माना जा रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हमारी कंट्री की विजिट पर आ रहे हैं 100 करोड़ रुपए यहां पर कॉस्ट जो है वो उनके ऊपर
पर खर्च किया जा रहा है। तो यहां पर यह बात की जा रही है किसके लिए, और वो जो खर्चा है उसके टर्म्स में बहुत सारी फोटो पिक्चर भी वायरल हो रही है। झुग्गी झोपड़ी को वहां से हटाया जा रहा है, आसपास की जो नदी वगैरह है उसको साफ किया जा रहा है, तो मतलब पूरा चकाचौंध किया जा रहा है। तो क्या ये चकाचौंध उन लोगों को नसीब नहीं होगा जो हमारी कंट्री के सिटीजन है? कोई बाहर का अगर इंसान ऐसे आ रहा है तो उसके लिए तो आप लोग चकाचौंध कर दे रहे हैं। अपनी कंट्री के जो लोग आपको जिताकर भेज रहे हैं क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है? जबकि जो इंसान यहां पर आ रहा है वो सबसे ज्यादा जो फोकस उसका रहता है वो अपनी कंट्री के सिटीजन पर रहता है, और हम लोग इस इंसान के लिए अपनी कंट्री के सिटीजन के साथ में क्या कर रहे हैं? तो वो चीजें आप लोग यहां पर बेसिकली एक देखने की कोशिश करने की बात करनी थी। और यहां पर देखिए गलत है फ्री चीजें बांटना, मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूं इस तरीके से कि हाँ जो एक तरीके से जो पैसा है हमारी कंट्री में खासकर जो टैक्स पेयर की मनी है उसको गलत तरीके से मिसयूज किया जाना, पर लेकिन उसके बाद भी अगर राज्य प्रॉफिट में है तो फिर दिक्कत क्या है इसमें? वो राज्य जो फ्री बीज यहां पर नहीं बांट रहे हैं वो सारे डेफिसिट में चल रहे हैं, जो सामान नहीं बांट रहे हैं ढंग से सर्विस प्रोवाइड नहीं करा जा रहे हैं, और ये बांटने के बाद भी सरप्लस में चल रहे हैं, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? तो दोनों चीज को एनालिसिस करने की बात आप लोगों को करनी थी। ये एक तरीके से कंस्ट्रक्टिव क्रिटिज्म दे सकते हैं अगर आप लोग आंसर राइटिंग यहां पर कर रहे हैं। एक साइड में ये राज्य नहीं मतलब यूनियन टेरिटरी, और दूसरे साइड में दूसरे राज्य जो डेफिसिट में चल रहे हैं और जबकि कुछ फ्री भी नहीं दे रहे हैं, तो वहां क्या होता है वहां मैक्सिमम करप्शन देखने को मिलता है, तो वो कंडीशन यहां पर सामने निकल कर आती है। ओके, और यहां पर तो एजुकेशन हेल्थ इन सब चीजों पर फोकस देकर चला जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई गलत बात यहां पर ये देखने को मिल रही थी। तो इस तरीके से यहां पर पॉलिटिकल एंगल से सारी चीजें मत तोला करो, थोड़ा सा उसमें चीजों को उस तरीके से भी देखा करो कि बताने की क्या कोशिश की जा रही है। तो दूसरा वाला एंगल देखा करो, क्योंकि मैं यहां पर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं बैठा हूं, मैं आप लोगों को जागरूक करने के लिए यहां पर बैठा हूं। जो एसोसिएशन डेमोक्रेट जागरूक करने के लिए किसने बोला यहां पर, वो इसलिए बोला, आप लोग खुद देख लीजिए बिहेवियर क्या है यहां पर। ये 43% क्रिमिनल केसेस हमारी कंट्री में जिनके ऊपर चल रहे हैं वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को लगता है कि जागरूक है इस तरीके से हमारी सोसाइटी? तो मैं ये सोचता हूं कि हमारी जो फैमिली है कम से कम उसको मैं जागरूक कर सकूं ढंग से, और ये जो फैमिली है जो 40-50 हजार आप लोग देख रहे हैं ये और ज्यादा आकर जुड़े, और फिर आगे आने वाले टाइम में सोसाइटी को जहां जहां पर भी आप लोग रह रहे हैं आपकी फैमिली में अगर एक आदमी है आप लोग, तो आपकी फैमिली में कम से कम आप लोग लगाकर चलिए कि 5 मेंबर होंगे मिनिमम अगर मोटे मोटे तौर पर लगाकर चला जाए। तो सीधे सीधे तौर पर अगर इस तरीके से आप लोग देखते हैं तो लगभग अगर आप लोग इस तरीके से चीजों को लेकर चलेंगे तो बहुत लार्ज स्केल पर हम लोग इंपैक्ट यहां पर डाल सकते हैं। तो किसी और से भी बातें न करें, अगर आप लोग फैमिली मेंबर से ही अपने बातें करें जाकर, तो लगभग 2.5 लाख लोगों को हम लोग गाइड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो कितने लार्ज स्केल पर हम लोग ये इंपैक्ट डाल सकते हैं वो आप लोग यहां से देख सकते हैं, पर लेकिन वही है कि सब लोग जो है वहां पर उसके फेवर में नहीं होते हैं, बहुत सारे उसको नेगेटिव तरीके से भी देखते हैं, हर तरीके लोग हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों को अपना व्यू रखने का कोई मतलब नहीं है, व्यू रखने का बिल्कुल मतलब है, पर लेकिन हर एक चीज को पॉलिटिकल एंगल में मत तोला करो, मैं बस ये बात आप लोगों से बोलना चाह रहा हूं। तो वोटर का जो बिहेवियर है वो यहां से देखने को मिलता है, कैसे लोग यहां पर चुनकर आ रहे हैं। अभी पर आम आदमी पार्टी की आप लोग देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिमिनल चार्ज पे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, हर एक पार्टी में आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। अभी यहां पर वेट एंड वॉच वाली बात है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम कर दिया, हमेशा से सुप्रीम कोर्ट अपना काम करता आ रहा है, पहले भी काम किया था, जैसे नोटा का केस आया था यहां पर, अनन ऑफ द बो, आप लोगों को ऑप्शन रहता है अगर कोई पसंद नहीं आ रहा तो नोटा पर वोट डालो, नोटा को इतना दबाओ अगर आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है ताकि वो सबसे ज्यादा ऊपर पहुंच जाए, कुछ तो शर्म आएगी लोगों को कि क्या कर रहे हो आप लोग। ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इंपोर्टेंट केस है 2013 का, इसको भी आप लोग याद रखेगा। यहां पर यह बोला जा रहा है कि अगर कोई लेजिस्लेटर था उसको यहां पर कन्विक्टेड पाया जाता है तो सेंटेंस अगर 2 साल से ऊपर का यहां पर उसको दिया जा रहा है, 2 साल या उससे ऊपर का, तो 6 साल के लिए उसको पॉलिटिकल एक तरीके से पार्टी से बर्खास्त किया जाएगा, वो इलेक्शन वगैरह नहीं लड़ पाएगा। लालू प्रसाद यादव जी इसी कैटेगरी में अभी केस झेल रहे हैं यहां पर, तो ये कंडीशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। अभी यहां पर जो रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो यहां पर बातें बोली है उसका रिजल्ट यहां पर बिहार और वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, कि यहां पर जो कैंडिडेट जिताकर लाएंगे उनको वोट दी जाएगी या फिर उन कैंडिडेट को वोट दी जाएगी जो कि यहां पर रियलिटी में एक साफ सुथरे चरित्र के इंसान है उनको वोट दी जाएगी। तो ये बातें यहां पर बोली गई है, और राइटर जो यहां पर लिखने वाले वो भी शानदार राइटर हैं, यह है चीफ इलेक्शन कमीशन, जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमीशन 16th चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं हमारी कंट्री के, नाम है नवीन चावला, याद रखिएगा। और इनकी एक किताब भी है जो क्वेश्चन की फॉर्म में आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है, यह है एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया इलेक्शन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट किताब है जो कि आप लोग यहां पर इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछूंगा यहां पर इसके बारे में, और अगर जो यहां पर एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं और ये बुक पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक का लिंक मैं वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आप लोग चाहते हैं तो उसको खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके की चीजें अगर आप लोगों को लगता है अपनी कंट्री के बारे में पढ़नी है, जानना है, समझना है, तो एक अच्छा मौका आप लोगों के पास रहता है, किताबों को अपना दोस्त बना लीजिए। ठीक है, आगे चलता हूं। नेक्स्ट जो आर्टिकल यहां पर है ये इंडिया और यूएसए के बारे में बात कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप हमारी कंट्री के विजिट में आ रहे हैं, और हमारी कंट्री के विजिट में ये फर्स्ट प्रेसिडेंट है जो डायरेक्ट हमारी ही कंट्री में आ रहे हैं और कहीं नहीं जा रहे हैं।
तो ये एक अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, पर लेकिन यहां पर देखने वाली बात अब ये है कि ये किस तरीके से हम लोग एक दूसरे को यहां पर एक दूसरे से फायदा उठा सकते हैं, एक दूसरे से चीजों को हम लोग ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं। यहां पर बोला ये जा रहा है राइटर के द्वारा कि ये प्रिपेयर कर रहे हैं ट्रंप 2.0 यानी कि नेक्स्ट पारी के लिए यहां पर तैयार कर रहे हैं। पर लेकिन अगर इंडिया अगर चाहता है अपने आप को ढंग से सही डायरेक्शन में लेकर चलना तो किसी न किसी सुपर पावर की जरूरत होगी, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग इतने डेवलप नहीं हुए आज के डेट में कि एशिया में अपना ढंग से दबदबा बना सकें। जब तक चाइना बैठा हुआ है तब तक हम लोग दबदबा नहीं बना पाएंगे। और कल है संडे, संडे को मॉर्निंग में जो डिस्कशन आएगा वहां पर आप लोगों के लगभग तीन के करीब आर्टिकल में डिस्कस करूंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे। उनमें से एक आर्टिकल यहां पर यह भी होगा कि इंडिया की पोजीशन क्या है एशिया के अंदर और किस तरीके से इंडिया को यहां पर चीजों को देखना देखकर चलना है, किस तरीके से हर टाइम हम लोगों को एक तरीके से ये चाइना का जो देखना है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के एंगल से नहीं देखना है। तो वो वाला आर्टिकल भी होगा और भी आर्टिकल होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे जिनके बारे में यहां पर बताया जाएगा। ठीक है, अभी यहां पर इस आर्टिकल के बारे में देखिए आप लोग, तो इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में अगर आप लोग यहां पर बात करते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट बात आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा कि चाइना का इतना ज्यादा दबदबा है कि आसपास वाले रीजन में एक दो कंट्री को छोड़कर किसी के साथ भी चाइना के रिलेशन यहां पर अच्छे नहीं है। तो इस टाइम पर अगर यूएसए हमको सपोर्ट करता है तो बहुत अच्छी बात होगी। यहां पर आज की डेट में अगर बात करें इंडो पैसिफिक में तो जो एक तरीके से आयरन कर्टेन की तरीके से इसको बोला जा रहा है कि देखिए अगर यूनाइटेड स्टेट यहां से निकल जाता है तो जो चाइनीज है यहां पर एक तरीके से वो अपने आप को इस तरीके से देखते हैं कि उनके अलावा यहां पर कोई ही नहीं है, इंडिया को सबोर्डिनेट पावर की तरीके से यहां पर देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से यहां पर यूएसए का यहां पर रहना काफी ज्यादा जरूरी है। ये बिल्कुल ऐसी कंपेयर आप लोग कर सकते हैं जैसे 1971 की जो वार थी जिसमें बांग्लादेश को हराया गया था, वो सॉरी पाकिस्तान को हराया गया था और बांग्लादेश एक नई कंट्री निकाला गया था, तो उस टाइम पर सोवियत यूनियन के द्वारा हम लोग को सपोर्ट किया गया था। उस टाइम पर जो से है वो पाकिस्तान का साथ दे रहा था और हमारे खिलाफ उसने एक शिप भी सेंड कर दिया था जो कि हथियारों से भरा हुआ था। उस टाइम पर फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की गई इंदिरा गांधी जी के द्वारा सोवियत यूनियन के साथ में, यानी कि आज के डेट में बोलूं तो रशिया के साथ में, और उस टाइम पर रशिया के द्वारा भी बोला गया कि अगर यूएसए यहां पर आएगा तो हम भी आ रहे हैं। ठीक है, और उस टाइम पर सोवियत यूनियन एक ताकतवर कंट्री हुआ करता था। तो इस तरीके से यहां पर हमारी फ्रेंडशिप थी तो हम बच गए, वरना उस टाइम पर यहां पर काफी खतरे में पड़ जाते। आज की डेट में अगर आप लोग देखें यहां पर जो पाकिस्तान और जो नॉर्थ कोरिया है वही यहां पर चाइना यानी कि बीजिंग के दोस्त हैं, बाकी आसपास वाले जापान, साउथ कोरिया या फिर आप लोग फिलीपीन की बात कर लीजिए या फिर वियतनाम की बात कर लीजिए, हर एक कंट्री के साथ में इनके रिलेशन जो है वो अच्छे नहीं है। रीजन क्या है? रीजन ये कि सारे एरिया में जो भी आइलैंड है वो चाइना चाहता है कि वो मेरे कंट्रोल में रहे, तो बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जहां पर चाइना बिल्कुल ऐसा एक तरीके से एग्रेसिव पॉलिसी लेकर चलते हैं। तो कई बार ये बोलते हैं लोग कि यही एग्रेसिव पॉलिसी इसकी इंडियन ओशन में देखने को मिलती है और अपना दबदबा बनाना यहां पर चाइना चाहता है। तो ऐसे टाइम पर यहां पर जो इंडिया को यूएसए की काफी ज्यादा जरूरत है और खासकर जो इंडिया का डायस्पोरा यानी कि इंडिया के जो लोग हैं यूएसए में रहते हैं उनकी काफी ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, तो उसकी सपोर्ट अगर मिलेगी तो काफी अच्छा रहेगा। और इस पैटर्न में हम लोग आगे भी बढ़े, नेटो के साथ में बात करें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या फिर हम लोग आज के में इस कैटेगरी के लोग बन गए, बल्कि हम लोग नॉन नेटो मेंबर हैं, तो यूएसए के एक नॉन नेटो एलाय होते हुए भी नेटो की कैटेगरी में आ गए। 2+2 डायलॉग जो फॉरेन और डिफेंस मिनिस्ट्री मिलती है वो यहां पर हमारा यूएसए के साथ में है। एक और कंट्री ऐसी है जिसके साथ में 2+2 डायलॉग है, उस कंट्री का नाम आप लोग बताइए इंडिया का। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बात करें अगर यहां पर तो यूएसए हम लोग आज के लिए बहुत लार्ज स्केल पर जो ऑयल है वो हम लोग आज के लिए यूएसए से ले रहे हैं, यानी कि यूएसए हमको बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक रीजन इसका यह भी है, पहले ईरान से करते थे, ईरान अब साइड से हट गया तो इसलिए यहां पर यूएसए से हो रहा है। अभी आप लोगों को मैंने एक वीडियो बनाई थी मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में, ये यहां पर क्वेश्चन अच्छा है आप लोगों से पूछने के लिए, कितने ध्यान से आप लोगों ने वो सुनी है वीडियो, क्योंकि ये मैंने फोकस देकर जोर से आप लोगों को बताया था जब ये वाली एक्सरसाइज डिस्कस थी। यहां पर ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, ट्राई सर्विस मतलब यूएसए इंडिया और इसी के साथ में जो यहां पर सॉरी यूएसए और इंडिया के बीच में एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की जो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है, ये जो एक्सरसाइज है ये भी रिसेंटली कहां पर देखने को मिली, ये तीन हम दोनों के बीच में जो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज में डोनाल्ड ट्रंप भी हमारी कंट्री की विजिट पर आ रहे हैं। प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो काफी लार्ज स्केल पर काम कर रहे हैं। साउथ एशिया में यूएट का जो मैरीटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव है वो भी यहां पर एक तरीके से चाइना के लिए एक थ्रेट का काम करता है, यानी कि चाइना के एग्रेशन को रोकता है। तो ये सारी चीजें हैं कि किसी की तरीके से अगर आप लोगों को आगे बढ़ना है तो एक वर्ल्ड पावर की सपोर्ट आप लोगों को होनी चाहिए, तभी चीजें आप लोग ढंग से आगे लेकर चल पाओगे। ठीक है, तो ये बातें यहां पर बोली गई हैं। आइए अब क्वेश्चन है जिनके आंसर आप लोगों को देने हैं। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है यूएन जनरल असेंबली के बारे में। यूएन जनरल असेंबली नॉर्वे और इसी के साथ में डब्ल्यूएचओ के द्वारा फोर्थ ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस अभी रोड सेफ्टी के ऊपर देखने को मिली। इसकी जो थीम थी वो थी अचीविंग ग्लोबल गोल्स। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया वन ओनली, बी बोला गया टू ओनली, सी बोला गया बोथ वन एंड टू, डी बोला गया नाइदर वन नॉर टू। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर यहां पर ये है इसका बी,
फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगी क्योंकि थर्ड है यहां पर, फोर्थ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस यहां पर नहीं थी वो, ठीक है। तो नितिन गडकरी जी के द्वारा यहां पर इसमें पार्टिसिपेट किया गया, ओके। तो ये कहां पर हुई, ये हुई स्वीडन के अंदर। स्वीडन अगर आप लोग देखना चाहते हैं अपनी कंट्री कंपेयर में, तो ये हो गया स्वीडन। ये वो कंट्री है जहां पर आप लोग ह्यूमन राइट डेवलपमेंट जो है वो काफी अच्छे देखने को मिलेंगे, ह्यूमन इंडेक्स सारे आप लोग को अच्छे देखने को मिलेंगे यहां पर, काफी अच्छी कंट्री आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा असेसमेंट किया गया, इसमें यहां पर यह बात बोली गई कि इंडिया का जो लॉस है रोड सेफ्टी में, ये यहां पर 18 से लेकर 45 साल की एज के जो बीच है लोग हैं, लगभग 69% फैटलिटी आप लोग यहां पर देखने को मिलती है, यानी कि इतने लोगों की जान जाती है इतनी एज के बीच में। इसके द्वारा बोला गया कि 109 बिलियन अगर आप लोग खर्च करते हैं आने वाले 10 साल में, तब जाकर लगभग 80% जो रिडक्शन आप लोग रोड डेथ में कर पाएंगे। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नाइदर वन नॉर टू। यहां से यह भी पता चलता है कितने अच्छे से आप लोगों ने आर्टिकल को सुना है, ठीक है। तो जो आंसर सही है वो आप लोग बताइए। सही आंसर जो यहां पर ये है, ये इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर सही है, सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत है, क्योंकि यहां पर जो बोला गया है ये बोला गया है यहां पर कितना 50% रिडक्शन, ना कि 80% रिडक्शन। और सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल सेक्शन है वो है ये यहां पर, जिनकी डेथ होती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है और वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहां पर ये असेसमेंट प्रस्तुत किया गया, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो केस है मैंने अभी आप लोगों से पूछा ही था, इसका जो आंसर हो गया इसका क्या आंसर होगा, इसका जो आंसर हो गया इसका होगा डी, कोई सा भी सही नहीं है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये यहां से यहां तक का ये 43 है, 34 नहीं है। दूसरा यहां पर ये कि बढ़ता ही जा रहा है, यहां पर ये घटा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर यहां पर इसका डी हो गया, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था यहां पर। तो हर जगह यहां पर ये बढ़ता ही जा रहा है, घटा कहीं पर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर ये भी बन सकते हैं, नवीन चावला साहब जो है ये हमारे 12वें चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिनकी जो किताब है यहां पर ये है यहां पर एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नाइदर वन नॉर टू। तो सही आंसर क्या यहां पर? तो सही आंसर यहां पर इसका बी, सेकंड स्टेटमेंट सही है, यहां पर ये गलत हो गई। रीजन क्या है? रीजन आप लोग देख लीजिए, यहां पर 16th है, यानी कि 12th नहीं है, 16th चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थी। और ये है इनकी किताब, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं थोड़ा सा, अगर देखिए आप लोग जो जैसे सब्जेक्ट होते हैं ना कई बार, जैसे पबेड वगैरह अगर सब्जेक्ट होते हैं, तो ऐसी चीजें थोड़ा सा आप लोग और काउंट किया कीजिए, थोड़ी सी एक्स्ट्रा किताबें आप लोग पढ़ा कीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक नया एंगल और जानने को मिले, और खासकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लिखी गई है तो और इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाती है। अभी इसी साल की अगर तैयारी करें तो ऐसी किताबों के ऊपर बिल्कुल फोकस मत दें, अगर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो तब ये किताबें आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है। तो लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, इसको देख लीजिएगा। एक रामसर साइट आप लोगों की बची हुई है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये है नादूर, नादूर जो साइट है यहां पर, ये नादूर जो यहां पर मधामेश्वर जो साइट है ये कहां पर है, ये महाराष्ट्र के अंदर है, लोकेशन आप लोग इसकी देख सकते हैं। ये एक तरीके से गोदावरी और जो यहां पर कडवा, याद रखिएगा यहां पर कडवा और गोदावरी रिवर, तो जो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है वहां पर ये है, और 536 के करीब जो स्पीसीज आप लोगों को देखने को मिलती है, और वेस्टर्न घाट वाले रीजन की यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। तो ये है इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मेरे साथ अगर आप लोग पढ़ाई के अलावा भी कनेक्ट रहना चाहते हैं तो ये है सोशल मीडिया हैंडल, ये फेसबुक पे पेज भी है और प्रोफाइल भी है मेरी, और इसी के साथ में इंस्टाग्राम पर भी आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं, यहां भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें शेयर की जाती है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सारी पीडीएफ एक जगह इकट्ठी यहां पर मिल जाती है, लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका मिल जाएगा, और जनवरी के महीने की भी शेयर कर दी गई है, और जो मिलिट्री एक्साइज वाली जो पीवीडी थी वो भी यहां पर शेयर कर दी गई है, ठीक है। तो इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। और लेक्चर पसंद आता तो प्लीज लाइक जरूर किया कीजिए, पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करने के बाद में ये बताइए कि डिसलाइक क्यों किया, ताकि उसको मैं इंप्रूव कर सकूं आने वाले टाइम में। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।